जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 26 का जो टेस्ट लिया गया था उसका जो हम एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आए हैं। देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतर्गत जो है आपको रेगुलर जो है तीन वीडियो जो है प्रदान किए जाते हैं। पहला वीडियो जो है आपको 6 बजे सुबह में मिलता है जिसमें जो है गाइड किया जाता है, और दूसरा वीडियो जो है आपको 4 बजे शाम में मिलता है, और तीसरा वीडियो जो है अब 9 बजे जो है रात में जो है आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो। ज्यादा न देर करते हुए चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन था लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। देखिए क्या होता है, तो विद्युत परिपथों में जो धारा का प्रवाह जो बढ़ता है तब क्या होता है, तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट या लघु पतन जो है हो जाता है, और इस लघु पतन में क्या होता है तो फ्यूज का तार जो है गर्म होकर जो है पिघल जाता है। अगर इसकी गलनांक की बात करें तो देखिए फ्यूज जो है एक तार का टुकड़ा होता है और इसका गलनांक जो है बहुत ही जो कम होता है। अगर बात करिएगा कि भाई फ्यूज से हमें फ़ायदा क्या है, इसका लाभ क्या है, तो देखिए परिपथ से जुड़े उपकरण जो है खराब होने से जो है बच जाते हैं इस फ्यूज लगाने से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अवघटाय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। क्योंकि देखिए समान शुष्क सेल में जो है एल्युमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, आप भी देखे होंगे अगर कोई बैटरी है अगर उसको जो है आप तोड़िएगा तो देखिएगा उसमें जो है 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, और इसके अंदर जो है बोरिक एसिड और ग्लिसरीन और अमोनियम जल का जो है मिश्रण जो है होता है, और वो जो है उसमें जो है विद्युत अपघटन जो है द्रव के रूप में ही जो है होता रहता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत जो है यह जो है विद्युत का जो है ऊष्मीय प्रभाव है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई जो है किस तरफ जो है संकेत करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उत्तर की ओर। तो इसका कारण यह है कि जब किसी चुंबक को जो है धागे से बांध कर जो है मुक्त रूप से लटका दिया जाता है तो चुंबक जो अस्थिर होने पर जो है उसका जो है एक ध्रुव जो है उत्तर की ओर मुड़ जाता है और दूसरा ध्रुव जो है दक्षिण की ओर खड़ा हो जाता है। अगर वहीं से क्वेश्चन पूछ दे कि भाई उत्तरी ध्रुव को क्या कहा जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी ध्रुव को जो है धनात्मक ध्रुव के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी ध्रुव को जो है ऋणात्मक ध्रुव के नाम से जो है जाना जाता है। अगर वहीं पूछ दे कि दोनों ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो दोनों ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे जो है चुंबकीय जो है लंबाई कहा जाता है, और उस बीच के रेखा को जो है दोनों ध्रुव का जो डिस्टेंस जो बताए वो जो उसके बीच जो लाइन जो बनेगा उस रेखा को जो चुंबकीय जो है अक्ष कहा जाता है, एक्सिस कहा जाता है, मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखिए छठा क्वेश्चन है कि अति चालक का लक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब सातवां क्वेश्चन है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, घटता है। क्यों, क्योंकि देखिए चालक का प्रतिरोध जो है उसके ताप पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा यानी ताप जैसे ही बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है, लेकिन अर्धचालक की बात कर दे तो अर्धचालक के केस में जो है उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, तो भाई इसका सूत्र होता है रेसिस्टेंस का, प्रतिरोध बराबर वी अपॉन आई होता है, और आप देखिएगा कि इसमें जो है धारा जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और इसी कारण से जो है ये जो है टेम्परेचर के बढ़ने से जो है अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो घट जाता है। अगर पूछ दे कि भाई रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, तो इसका एसआई इकाई जो है क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, और इसे जो है डिनोटेड जो करते हैं उसे जो है ओमेगा के द्वारा जो है डिनोट करते हैं। अब देखिए आठवां क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव जो है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो देखिए इसके लिए एक परिभाषा है कि द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। क्या बोल रहा है, द्रव की वैसी प्रकृति जिसके अंतर्गत क्या होता था न्यूनतम यानी मिनिमम एरिया जो है घेरने की जो प्रवृत्ति रखता है, और सिर्फ जो है वो हल्की से जो है झिल्ली की भांति जो है व्यवहार करता है उसे जो है क्या कहा जाता है, तो पृष्ठ तनाव कहलाता है। अगर पूछ दे कि इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है पृष्ठ तनाव का, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। पूछ दे कि ये जो सरफेस टेंशन जो है यानी जो पृष्ठ तनाव जो है इसका मान जो है किस पर निर्भर करता है, तो देखिए ये जो द्रव की प्रकृति और द्रव के जो टेम्परेचर होता है उसके माध्यम पर जो है निर्भर करता है। और यहाँ पर जो है उदाहरण के तौर पे जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि वर्षा की बूंद जो है सरफेस
टेंशन के कारण होती है। इसके अलावा आप ये भी देखे होंगे कि साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो भी जो है गोलाकार जो है होती है, और यह भी जो है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही जो होती है। आइए नौवां क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सियानता होती है। यहाँ पर बोल रहा है किसका विस्कोसिटी जो है ज़्यादा होती है। तो देखिए विस्कोसिटी का सबसे पहले जो है आपको जो है समझना पड़ेगा कि आखिर विस्कोसिटी क्या होता है। द्रवों का वह गुण होता है, जिसके कारण क्या होता है वो अपनी जो है परतों के मध्य जो सापेक्ष गति का विरोध करता हो। मतलब द्रव क्या होता है, हेल दीजिएगा तो क्या होगा, वो जो है बहुत तेजी गति से जो गमन करता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वो क्या करता है, गति का विरोध करता है। मतलब क्या है, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स जो है यूज हो रहा है, तो ऐसा जो प्रॉपर्टी जिसमें होगा, ऐसा जो गुण होगा, उसी को ही जो है सियानता कहा जाता है। तो आप ही देखिए कौन सा द्रव है जिसमें जो है सियानता जो है कम होगी। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, जल, जल में क्या होता है, आप उसे जो उड़ेल दीजिएगा तो वो तेजी से गमन करेगा। वायु में देखिए, वायु में तो हो ही नहीं सकता है विस्कोसिटी। और देखिए ब्लड, ब्लड भी जो है बहता है, लेकिन आप अगर जो है शहद को उड़ेल दीजिएगा तो देखिएगा वो जो है नहीं बहता है तेजी गति से, वह जो है क्या करता है, तो वह जो है विरोध करता है गति का। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शहद हो जाएगा। अगर बोल दे कि शहद में जो है कब सियानता नहीं होगी, तो देखिए विस्कोसिटी का एक बात यह भी है, अगर विस्कोसिटी को जो है आप टेम्परेचर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी जो है विस्कोसिटी जो है कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि अगर ताप बढ़ेगा तो सियानता जो है घट जाएगी, और इसलिए जो है ठंडा मौसम में जो है क्या हो जाता है, सियानता ज़्यादा होती है किसके अपेक्षा, तो गर्मी के मौसम के अपेक्षा। और वहीं पर अगर जो है बात करें कि ठोस में सियानता होती है, तो जो है ठोस में जो है सियानता नहीं होता है। देखिए दसवां क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, क्या होता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ये 11वां क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तेल का तल का जो तनाव है वो जो है पानी से कम होता है। देखिए पानी के अपेक्षा जो है तेल का घनत्व क्या होता है, तो कम होता है, और इसी कम होने की वजह से जो पृष्ठ तनाव जो है इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और वह जल पर जो है फैल जाता है। और दूसरी बात यह भी है कि तेल और पानी के बीच जो है असंजक बल जो होता है वो क्या होता है, तो जल के ससंजक बल से जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी कारण से जो है तेल जो है जल के तल पर जो है फैल जाता है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, तो अभी हम ही बताएं क्या होता है, तो उसमें जो है उसका जो है डेंसिटी क्या होता है, पानी की डेंसिटी से जो है कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, तो मिट्टी का तेल जो है पानी के ऊपर जो है तैरने लगता है। अब देखिए 13वां नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है, तो उसका जो है तिरजिया जो है बढ़ जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशित्व एकमात्र कारण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए स्याही का सोखना और भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना और सूती कपड़े पर जल की बूंद का जो फैलना है, जो ये जो केशित्व के अंतर्गत ही आता है, लेकिन यहाँ पर जो पौधे की जड़ों की जो बात की गई है कि पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना जो है, इसमें तो केशित्व रहता ही है, लेकिन इसके अलावा भी जो है कई कारक है जिसके कारण जो है यह ऐसा होता है। अब बोलेगा कि यह कौन सा कारक है, तो इसके अतिरिक्त जो है उसमें प्रस्वेदन और ससंजन की क्रियाएं भी उसके लिए जो उत्तरदायी होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की सियानता क्या होती है, तो अभी बताए थे कि टेम्परेचर बढ़ने से जो है सियानता क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम प्रसंस्करण का उपोत्पाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एस्फाल्ट। अगर बात करें कि पेट्रोलियम का प्रसंस्करण जो है किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है प्रभाजी आसवन के द्वारा जो है इसका जो है आसवन होता है, और इससे क्या होता है, तो इससे जो है औद्योगिक उपयोग के विभिन्न जो उत्पाद जो है प्राप्त किए जाते हैं। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जो है जीवित रहते हैं, इसका क्या कारण है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की जो है ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। देखिए आप तो देखे ही होंगे कि झील के ऊपरी पर 0 डिग्री तक हो जाता है, लेकिन इसके नीचे का द्रव जो है वह जो है 4 डिग्री जो सेंटीग्रेड रहता है, इसलिए क्या होता है, तो जलीय जंतु जो है जीवित रह पाता है इसी कारण से। 18वां क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा, तो
इसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। अब 19वां क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में जो है डूब जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लोहे का घनत्व जो पानी के घनत्व से अधिक होता है और तथा पारे से जो है कम होता है। देखिए पारे का डेंसिटी जो ज़्यादा होता है पानी से, इसलिए जो है यह ऐसा जो है होता है। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो आपको पता ही होगा यह जो पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती रहती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए 21वां क्वेश्चन है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? या आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि यह जो है अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए 22वां क्वेश्चन है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है और इसका जल में भार होगा। तो देखिए क्वेश्चन में ही इसमें क्या लिखा है कि भारहीन, मतलब गुब्बारा बोल रहा है कि भारहीन है गुब्बारा और उसमें क्या है, तो 200 ग्राम जल है गुब्बारा के अंदर में और उसको जो पुनः जो जल में जो है डुबाया गया है। कहने का मतलब है कि इसका जल में भार क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो है उत्प्लावन बल जो है कार्य कर रहा है और उत्प्लावन बल का परिभाषा होता है जब कोई वस्तु को आंशिक या पूर्णतः रूप से डुबाई जाती है, चाहे आप कम डुबाइए चाहे आप ज़्यादा डुबाइए, तब उसके भार में क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। चाहे कितना भी चाहे वो 200 ग्राम क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। और यह जो है आभासी कमी जो है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के जो है बराबर हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अब 23वां क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो वह जो है क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, वह कुछ ऊपर जो है उठता है। देखिए आपको पता ही होगा कि नदी में क्या होता है, तो नदी के जल का जो है डेंसिटी जो है कम होता है किसके अपेक्षा? समुद्र के जो है खारे पानी की अपेक्षा, क्योंकि नमकीन होता है इसके कारण क्या होता है, उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो वही कारण है। और इसके अलावा जो है वहाँ पर जो है एक उत्प्लावन बल भी जो है कार्य करता है और जिससे जो है क्या होता है, तो जब नदी से जो आप जो है उसे जो है समुद्र में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए जो है उठ जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। अब देखिए 24वां क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? तो अभी ही हम बताए क्योंकि उसका जल क्या हो जाता है, नमकीन होता है और उसके कारण क्या हो जाता है, डेंसिटी जो है अत्यधिक हो जाता है, इसलिए समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। अब 25वां क्वेश्चन है, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिरेमिक ऑक्साइड जो है क्या है, नव आविष्कृत उच्च ताप का जो है अतिचालक है। अब 26वां क्वेश्चन, अर्धचालक की चालकता ताप पर होती है, मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर पर होती है? तो यह जो है 0 डिग्री पर होती है। 27वां क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है तो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा जो है अर्धचालक में जो है विद्युत का जो है चालन होता है। अब देखिए 28वां क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 29वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो देखिए जर्मेनियम जो है उसको जो है अर्धचालक की तरह जो ट्रांजिस्टर में जो है प्रयोग में लाई जाती है। 30वां क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो इसके लिए होता है सिलिकॉन जो है सर्वाधिक जो है प्रयुक्त पदार्थ होता है। अब 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो देखिए सिलिकॉन और सिरेमिक्स जो है अर्धचालक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? ये भी वही पूछ दिया है, खाली ऑप्शन से फिर चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा इसमें? सिलिकॉन हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत और चुंबकीय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तांबा जो है विद्युत जो है और चुंबकीय है। अब 34वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किससे जो है टेप रिकॉर्डर की टेप जो है लेपित रहती है? तो यह जो है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से जो है इसकी जो टेप जो है लेपित रहती है। अब क्यों रहती है ऐसा? तो देखिए फेरोमैग्नेटिक चूर्ण जो है लोहे के बुरादा जो होता है छोटे छोटे कण होते हैं ये ही होते हैं, और ये कण क्या करता है तो रिकॉर्डिंग के समय जो है चुंबकत्व का जो है गुण जो उसमें आ जाता है। 35वां क्वेश्चन, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है, मतलब किसमें जो है सबसे अच्छा जो है यूज होता है? तो देखिए यह जो है टेलीफोन में जो है सर्वश्रेष्ठ जो है प्रयुक्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, चुंबकीय अनुनाद विम्बीकरण निम्न परिघटना पर आधारित होता है, मतलब बोल रहे किस घटना पर जो यह जो है आधारित होता है? तो यह जो है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद की घटना पर जो है आधारित रहती है,
इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है, तो कौन नहीं होती है, तो एल्युमिनियम जो यह जो है आकर्षित नहीं होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन थे 37 क्वेश्चन थे, सारे को जो एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। गुड नाइट, टेक केयर।